सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रैवल विद पहाड़ी व्लॉग्स। सो आज जैसे कि हल्द्वानी में बहुत ठंडा है और कोहरा भी है, तो अभी देख सकते हो मैं रेडी हो रखा हूँ कहीं जाने के लिए। तो मैं जा रहा हूँ अभी नैनीताल और शायद वहीं रहूँ आज, और आपको भी लेके चलता हूँ अपने साथ मोटो व्लॉगिंग में ही। और तो आज देखिए हल्द्वानी का मौसम देखिए आप, कोहरा हो रखा है पूरा। और नैनीताल जाके देखते हैं क्या मौसम है वहाँ का, और आपको भी दिखाएंगे। तो यहाँ हल्द्वानी में तो बहुत ठंड हो रहा है आज, और मैंने अंदर से एक हुडी, एक ये जैकेट, उसके अंदर से एक और स्वेट शर्ट पहनी है। चलिए चलते हैं और आपको भी लेके चलते हैं। ये देखिए गाइस, हल्द्वानी से निकल चुका हूँ, अब मैं नैनीताल की तरफ को, और मेरे सामने का नज़ारा देखिए आप, दूर दूर तक कोहरा ही दिखेगा। और आज काफ़ी ठंडा है, अभी 10 बजने ही वाले हैं और तभी भी अभी का मौसम देखिए, धूप का तो नामो निशान ही नहीं है अभी कहीं पर। और पहाड़ों का देखते हैं क्या मौसम है और बर्फ़बारी के क्या चांस है, नैनीताल जाके देखते हैं। अभी तो मैं ऐसे ही जा रहा हूँ, तो चलते हैं। और काफ़ी ठंडा हो रहा है आज, सुन हल्द्वानी में लग ही नहीं रहा भयंकर। चलिए आगे मिलते हैं आपको अब पहाड़ों में सीधे। सो गाइस, मैं रानीबाग पहुंच चुका हूं अभी, और यहां तो देखिए कितनी सही धूप आ रही है, मतलब अभी शुरुआत ही हो रही है धूप की। और काठगोदाम से नीचे तो एकदम घना अपट हो रहा है कोहरे से, और धूप का तो नामो निशान ही नहीं है कुछ पर। यहां देखिए अभी से पूरा साफ है, बिल्कुल कोहरे का तो निशान ही नहीं है, और धूप इतनी सही आ रही है। अभी थोड़ी देर में 11 बजे तक और सही धूप आ जाएगी, और थोड़ी सा डिस्टेंस है काठगोदाम से रानीबाग बस, और उतने में ही इतना डिफरेंस है आप देख सकते हैं। और नैनीताल में भी लग रहा है ठीक ठाक मौसम होगा, और चलते हैं मज़े में आराम से। सो गाइस, ये देखिए अपने ग्रुप के हल्द्वानी पैडलर्स के सुनील कनवाल जी, सुनील दा चल पड़े हैं, इनकी हिम्मत को दांत देनी पड़ेगी। सुनील दा गाँव पाट लगते हैं, रुकते हैं बात करते हैं इनसे। अभी मैं पहुंचने वाला हूं जेली कोट, और गाइस अपने चैनल पे ना एक स्ट्राइक पड़ गई है वीडियो में, तो शायद आपने भी देखी होगी वो वीडियो जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वाली T20 वर्ल्ड कप की व्लॉग था, उसमें स्ट्राइक मार दी है। और वो भी जो भी स्ट्राइक, मतलब जो स्ट्राइक मारी है वो ICC लिखा आया हुआ था, जो स्ट्राइक जिसने मारी थी ICC, और पता नहीं बेफालतू का स्ट्राइक मारा हुआ। और मेरे चैनल में पहली स्ट्राइक पड़ गई है, शायद 3 स्ट्राइक पे चैनल डिलीट भी हो, अपना चैनल डिलीट हो सकता है। और अभी जो वो स्ट्राइक है शायद 90 दिन बाद हटेगी, और वो अपनी जो वीडियो थी ना T20 वर्ल्ड कप वाला, मतलब जो व्लॉग था वीडियो, वो भी उन्होंने रिमूव कर दिया है। तो यार इतना, मतलब ना उस वीडियो में इतने अच्छे व्यूज़ थे, ना कुछ उस वीडियो में ऐसा कुछ उल्टा सीधा बोला था, सीधा एक नॉर्मल सी व्लॉग बनाया हुआ था और कुछ नहीं था। तो बस उन्होंने एक स्ट्राइक मार दिया। अब देखते हैं, वेट करते हैं अपना ये स्ट्राइक हटने का, 90 दिन में हटता है स्ट्राइक। सो यही था, और काफ़ी दिमाग ख़राब हुआ था उस दिन जब पहला स्ट्राइक पड़ा ना। तो यही था गाइस, इतनी वीडियो बनाओ फिर ऊपर से एक स्ट्राइक मार दो, कुछ फ़ायदा भी नहीं होता, और ऐसा कुछ नहीं, चलो कोई नहीं। और अब से कुछ ऐसा दिखाने वाला भी नहीं हो, मतलब ना ही उसमें कुछ ऐसा कोई गाना डालना है, और ना ही कोई कुछ दिखाना है जो गलत होगा। सिंपल सी नॉर्मल सी वीडियो बनाएंगे, ताकि अपना चैनल में कोई दिक्कत ना हो, बस यही था। और अभी बस जेलीकोट पहुंचने ही वाला हूँ, यहाँ से जेलीकोट एक 1.5 किलोमीटर बचा हुआ, और मौसम सही हो रहा है थोड़ा अभी। सो गाइस, मैं अभी पहुंच चुका हूँ नैना गांव, जहाँ के बहुत
फेमस है भारत में भी, पूरे मतलब भारत तक जान पहचाने। ये देखिए मटन भात, शिकार भात, और बूबू बैठे हुए थे जो बनाते हैं, हमारे फेमस बूबू। और ये पूरे, मैं तो बोलूँगा पूरे इंडिया में ही फेमस है, क्योंकि इन्हें हर, अब इतने वायरल हो चुके हैं ये वीडियो से कि अब इन्हें हर कोई जानते हैं। मतलब जितने भी बाहर से आते हैं घूमने वाले, यहाँ तो पक्का ही रुकते हैं, और बस ये मंगलवार के दिन बंद बंद रहता है। और बूबू देखिए अभी तो अभी बनने लग गया था, अभी बन गया होगा, और दिन तक 3-4 बजे तक मतलब ये ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत फेमस है इनका मीट चावल, नैना गांव में पड़ता है, और ये नैनीताल हाईवे में है। नैना गांव गांव का नाम है एरिया, जिस जगह है। और अब मैं पहुंचने वाला हूँ बल्दिया खान में। यहाँ से बल्दिया खान है 2-3 किलोमीटर है अप्रॉक्स। पहले एक मंदिर आएगा हनुमान जी का, उसके बाद आएगा बल्दिया खान। सो देखिए ये है वो मंदिर बजरंग बली का, जिसकी मैं बात कर रहा था। हनुमान जी का मंदिर है, बल्दिया खान से पहले पड़ता है ये मंदिर। और ऐसे आपको मंदिर पहाड़ों में दिखते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी देर में कहीं ना छोटे से बड़ा मंदिर पूरा दिखता रहता है। और इस मंदिर की स्टोरी भी है, कुछ एक्सीडेंट की वजह से ये बनाया गया था, क्योंकि यहाँ बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। बस या बस भी गिरी थी शायद यहाँ से नीचे खाई में, उसके बाद ये बनवाया गया था ऐसे मैंने सुना है। यहाँ से है अभी नैनीताल 11 किलोमीटर, और बल्दिया खान अब बचा होगा 1-1.5 किलोमीटर। तो गाइस अभी यहाँ पर ठुक गए थे वो लोग जो आगे बाइक में जा रहे हैं, इन्होंने एकदम ब्रेक मारा था, जो पीछे से स्कूटी से आ रहे वो इनसे ठुक गए थे। का कुछ हुआ नहीं खैर। और ये मैं पहुंच चुका हूँ नैनीताल धर्मशाला के पास, और काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ, तो बर्फबारी का तो कुछ नामो निशान ही नहीं लग रहा। धूप आप देख सकते हैं, धूप कितनी बढ़िया आ रही है। और हल्द्वानी का और नैनीताल के कंपेयर तो ऐसा लग रहा है हल्द्वानी में बर्फ गिरने वाली है। जय माता दी। सो गाइस ये देखिए पहुंच चुके हैं हम नैनीताल के मॉल रोड में, अभी नीचे वाली मॉल रोड में जो कि जाती है मल्ली ताल को। और अभी मैं जा रहा हूँ मल्ली को, और देखिए क्या मस्त हो रहा है। और ताल तो पूरी फुल चल रही है अभी, और देखिए पेड़ों में पूरी लाइटनिंग कर रखी है। अगर रात को देखते हैं एक आएंगे तो मॉल रोड में आएंगे तो देखेंगे, हाँ देखिए कितने मस्त। और उतना टूरिस्ट तो नहीं है अभी, ज़्यादातर लोकल सीखे हैं। और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा ताल जो पूरी फुल हो रही है। और इतना ठंडा भी नहीं लग रहा है अभी नैनीताल में, बर्फबारी के तो नामो निशान नहीं है अभी, कुछ कह भी नहीं सकते। आज हो गई है 6 तारीख, और पिछली बार तो बहुत भयंकर बर्फ़ पड़ी हुई थी यहाँ। स्कूल के बच्चे जाते हुए मठू मठू,
गाइस अभी पहुंच चुका हूं मैं मल्लीताल से बीडी पांडे के उधर पे। अभी यहां पे मेरे को जाना है एक जगह और अपनी बाइक यहां पर पार्क कर दिया देखे। और बहुत सारी पार्किंग है नहीं वैसे, यहां पर कुछ ऐसा लिखा नहीं है और मैंने इधर पे पार्क कर दिया। चलिए चलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस अभी मैं बीडी पांडे में हूँ। सुबह से मतलब सुबह आया था, अभी शाम हो चुकी है, 5 बज गए हैं और आज नाइट यहीं रहना है क्योंकि फैमिली मेम्बर यहाँ एडमिट है। सो आज मैं यहीं नाइट में रहूँगा और पूरा हॉस्पिटल तो बंद हो चुका है अभी और काफ़ी साफ़ सुथरा बना रखा है हॉस्पिटल को। और इधर मार्केट दिखाता हूँ मैं आपको, बड़ा बाजार वाली। ये देखिए बड़ा बाजार वाली मार्केट है और हल्की फुल्की चहल पहल है यहाँ पर और टूरिस्ट तो है नहीं, तो आज तो यहीं रहना है। और ठंड ठंड होने लग गई है और आपको भी दिखाते रहते हैं।